और इस समय ब्लैक पैंथर तोगड़ा की टीम दबाव बनाते हुए सीधे गोल पोस्ट में दे मारा है, जहां तक टच लाइन से बाहर जाने का सवाल है। स्टेप ब्रदर्स और ब्लैक पैंथर के बीच में इस समय दोनों ही टीम के खिलाड़ी मंच के सामने लाइनअप हो चुके हैं। काले जर्सी में इस समय दोगड़ा की टीम पश्चिमी छोर पर 2500 दर्शक यहां पर उपस्थित हैं और मैच का आंखों देखा हाल हम इस समय आपको सुनाते रहेंगे। ओपन चैलेंज नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता मसीह क्लब कौन स्टेप ब्रदर के बीच में प्री क्वार्टर मैच खेला जाएगा कि विजेता 20-5-20 का ये मुकाबला हो रहा है। इस समय दोकड़ा की टीम पश्चिम से पूर्व की ओर अटैक करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को 100 नंबर के जर्सी के लिए गेंद दिया था। पैंथर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए कामयाब रहे, फिर से अपने साथी खिलाड़ी की तलाश, लंबा किक सीधे अपने साथी खिलाड़ी के पास, लेकिन बीस पांच बीस का ये मुकाबला चलता हुआ नीली जर्सी में इस समय स्टेप ब्रदर के खिलाड़ी ने अपने साथी के खिलाड़ी को तलाशा और इस समय खतरा मौजूद है। इस समय देखते हैं क्या कर पाते हैं, लेकिन स्टेप ब्रदर के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी को तलाशना चाहा, लेकिन छीन दे अपने साथी खिलाड़ी के द्वारा। और इस समय स्टेप ब्रदर अपने साथी खिलाड़ी 10 नंबर को पास दिया है। 10 नंबर के खिलाड़ी ने सीधा दर्शक मौजूद, क्योंकि आज का तीनों ही मुकाबला कांटेदार मुकाबला होने की संभावना थी और उसी प्रकार का मुकाबला भी यहां देखने को मिला है। और गेंद टच लाइन अपने पास गेंद को रखना चाहे लेकिन नाकामयाब दिया, उन्होंने सीधे गोल पोस्ट की ओर मारा है, लेकिन अच्छा बचाव यहाँ ब्लैक पैंथर के डिफेंडर मोटे कद के डिफेंडर के द्वारा। और इस समय 13 नंबर स्टेप ब्रदर उछाल दिया है गेंद इस समय पेनाल्टी एरिया के आसपास, लेकिन अच्छा बचाव वहां डिफेंडर के द्वारा। 100 नंबर दोगड़ा गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए, गेंद छीना गया। लगातार अच्छी डिफेंडिंग यहां देखने को मिल रही है अनुज के द्वारा, काफी अच्छे डिफेंडिंग यहां दिखाते हुए अनुज। और इस समय खतरा हो सकता था वहां, लेकिन दोगड़ा के कोई खिलाड़ी मौजूद न होने के कारण गेंद इस समय मिड लाइन के आसपास। स्टेप ब्रदर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए दो खिलाड़ी को छकाया, अपने साथी खिलाड़ी को देखने में कामयाब रहे लेफ्ट फॉरवर्ड, इस समय दबाव बनाते हुए अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया, लेकिन ऑफ साइड, काफी अच्छा निर्णय। ब्रदर के लिए लंबा थ्रो इन सीधे अपने साथी खिलाड़ी 11 नंबर के लिए, लेकिन गेंद उनसे छीनी गई। दोनों ही टीम जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करती हुई इस समय मिड लाइन के आसपास में गेंद 11 नंबर के स्टेप मनोरा सिंगापुर ने मैदान पास बेटा खतरा बनता हुआ यहां पर, लेकिन सीधे गोलकीपर के माना जाता है। देखते हैं क्या कर पाते हैं स्टेप ब्रदर के खिलाड़ी। गेंद इस समय गोल पोस्ट के आसपास, लेकिन अच्छा बचाओ और पूरा मिड लाइन से काफी आगे लगभग पेनाल्टी एरिया के आसपास पहुंची थी गेंद, काफी अच्छा लंबा किक यहां तोगड़ा के डिफेंडर के द्वारा। लेफ्ट फॉरवर्ड के पास इस समय गेंद पहुंची है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। खतरा बनता हुआ यहां, लेकिन अपने साथी खिलाड़ी राइट फॉरवर्ड को उन्होंने पास दिया था, लेकिन राइट फॉरवर्ड यहां पैर फिसल जाने के कर के लिए। वहीं इस समय एफसी ब्लैक पैंथर दबाव बनाती हुई स्टेप ब्रदर के ऊपर बैक पास, 22 नंबर के खिलाड़ी गेंद को अपने पास रखने में असफल रहे और इस समय राइट इस तरह से
डोकड़ा की टीम पर लगातार दबाव बनाते हुए स्टे ब्रदर की टीम नीलम जर्सी में लेफ्ट फॉरवर्ड लगातार शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे इस समय लेफ्ट फॉरवर्ड। और वहीं इस समय अपने साथी की तलाशते हुए स्टे ब्रदर के खिलाड़ी कामयाब रहे। तेरह नंबर के अनुज ने अपने साथी खिलाड़ी को इस समय गेंद दे दिया है, काफी अच्छा सटीक किक कहना होगा यहाँ अनुज के द्वारा। और इस समय गेंद पेनाल्टी एरिया की ओर जाते हुए खतरा बनता हुआ यहाँ स्टे ब्रदर के द्वारा, लेकिन सीधे गोल कीपर किया है। तेरह नंबर के अनुज ने फिर से शानदार गेंद को उछाल दिया है, लेकिन डिफेंडर ने गेंद को आगे जाने से रोका। इस समय राइट फॉरवर्ड दबाव बनाते हुए पेनाल्टी एरिया में गेंद घुस चुकी है, बचाव की कोशिश 17 नंबर के डिफेंडर के द्वारा। स्टेप ब्रदर के खिलाड़ी ने गेंद को उछाल दिया था। जहां तक टच लाइन से बाहर जाने का सवाल है, और इस समय ब्लैक पैंथर तोगड़ा की टीम दबाव बनाते हुए सीधे गोल पोस्ट में दे मारा है, छोटे छोटे पास के सहारे गेंद को आगे ले जाने का प्रयास, लंबा किक कर दिया है, गेंद इस समय पेनाल्टी एरिया के अंदर, लेकिन ब्लैक पैंथर के गोलकीपर जियो और इस समय उन पर दबाव बनता हुआ, काफी अच्छा बचाव यहाँ जियो के द्वारा। फिर से दबाव बनता हुआ है जियो के ऊपर, लेकिन डिफेंडर ने उनसे दबाव को हटाया। और इस समय जहां तक टच लाइन से बाहर जाने का सवाल है, इस समय अच्छा बचाव वहां, इस समय राइट फॉरवर्ड 11 नंबर लगातार दबाव बनाते हुए ऑफ साइड की अपील की गई थी लेकिन नकारा गया, और अच्छा बचाव यहां स्टेप ब्रदर के, काफी तेज तर्रार, और इस समय खतरा बनता हुआ राइट फॉरवर्ड के पास गेंद जाती हुई, और गेंद इस समय स्टेप ब्रदर के खिलाड़ी इस समय गेंद को आगे ले जाने का प्रयास करते हुए, अभी धोनी के पास गेंद, हेडर के सहारे गेंद को आगे ले जाने का प्रयास, लेकिन अच्छा बचाव रोका गया। इस समय रोहन के पास गेंद, अपने साथी खिलाड़ी को तलाशते हुए 100 नंबर के पास गेंद, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया है। और इस समय 20 नंबर अपने राइट फॉरवर्ड को तलाशने का प्रयास करते हुए सफल रहे, लेकिन राइट फॉरवर्ड के इस समय दबाव बनता हुआ, हालांकि केवल एक खिलाड़ी मौजूद, अपने साथी खिलाड़ी को तलाशना चाहा लेकिन नाकामयाब। और इस समय 99 नंबर 100 नंबर को पास दिया है, एक एक नंबर आगे जाते हुए या एक एक स्टेप आगे 100 नंबर लेफ्ट फॉरवर्ड दोगड़ा अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहे, लेकिन लगातार उन्हें असफलता मिलती हुई। और इस समय स्टेप ब्रदर के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी को पास देना चाहा, लेकिन